के विरोध में आज की सरकार जिस प्रकार से महंगाई को कम करने में पूर्णतः विफल हो गई है और हम सभी इसका विरोध करते हैं और हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए यह मांग करते हैं कि जिस प्रकार से आम जनता को उन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल का दाम कम होगा, महंगाई कम होगी, इन सभी को आधार रखते हुए उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, तो कृपया वो अपनी सरकार जब पुनः बनानी है तो तानाशाही ना हो और यहाँ की जो देश की जो महंगाई है उसको कम करने का कार्य करें। और मैं स्मृति ईरानी जी से भी पूछना चाहती हूँ कि वो जब सिलेंडर का दाम 350-400 रुपये था तो वो हमारी तत्कालीन जब कांग्रेस की सरकार थी उनको चूड़ियाँ मतलब विभागों में पहुँचाने का कार्य करती थी, बहुत ही विरोध प्रदर्शन करती थी, सिलेंडर उठाती थी, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ क्या वो अब चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं? वो अपनी सरकार बीजेपी की सरकार को क्या चूड़ियाँ नहीं भेज सकती कि कम से कम महंगाई तो कम करें? अपने दायित्व को क्या अपनी सरकार के काल में वो भूल चुकी हैं? इसी के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार इसके बारे में सोचे और महंगाई पर लगाम लगाए। मैं अल्पना निषाद पार्षद, कार्यकारिणी सदस्य नगर निगम व शहर अध्यक्ष के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस प्रदर्शन में सिलेंडर गैस, कड़वा तेल, वो तमाम सामग्रियाँ मौजूद हैं जो आज पूरे देश के अंदर महंगाई की सारी हदें पार कर चुकी हैं। कड़वा तेल 200 रुपये प्रति किलो हो चुका है, गैस सिलेंडर 900 के पार कर चुका है, पेट्रोल डीजल 100 के पार कर चुका है। कल तक भाजपा के लिए जो महंगाई डाइन हुआ करती थी आज वो डार्लिंग हो गई है। निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर महंगाई से आम जनता परेशान है। उन्हीं मुद्दों को लेके हम लोगों ने आज प्रदर्शन किया है। महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधन एक ज्ञापन देने का काम करेंगे जिसमें महंगाई को कम करने के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया है। नफीस अनवर, नगर अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी, इलाहाबाद।